इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। जिला पंचायत के 341 जनपद के 2533 सदस्य के लिए मतदान शुरू हो गया है। सरपंच 8662 और 1,35,914 पंच पदों के लिए मतदान जारी है। 1,49,00,000 मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 चरणों में होने वाले मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण के दौरान पूरे प्रदेश में जिला पंचायत के 341 जनपद के 2533 सदस्य, सरपंच के 8662 और 1,35,914 पंच पदों के लिए मतदान शुरू हो गया है। प्रदेश में 52 जिलों में 115 जनपद पंचायतों की 8702 ग्राम पंचायतों में वोटिंग की जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देशन पर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 26,900 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश में 3,989 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इन केंद्रों पर कैमरे से विशेष नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। पहले चरण के चुनाव में 1,00,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। उनके अलावा 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक आयोग ने मानसून को ध्यान में रखते हुए वाटरप्रूफ सामग्री इस्तेमाल करने की तैयारी की है। पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतदान के कारण ग्राम पंचायतों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जहां मतदान केंद्र के बाहर वोटर्स की लंबी लाइन देखी जा रही है। पहले चरण के मतदान को लेकर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं संभागीय हेड इमरान खान से। इमरान खान, 7 साल बाद हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर कैसा माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल सौम्या, देखिए मध्य प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव आज संपन्न हो रहे हैं, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से ही, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के 115 जनपदों की कुल 8,702 ग्राम पंचायतों में वोटिंग शुरू हो गई है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इसके बाद काउंटिंग भी, सरपंच के जो प्रतिनिधि है उनकी काउंटिंग भी उसी मतदान केंद्र पर की जाएगी, जहां पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इस तरह हर एक मतदाता को 4 वोट डालने हैं और 4 वोट डाल भी रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं सौम्या कि पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के लिए एक मतदाता अपने 4 मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं पहले चरण में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित कई जिलों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। चुनाव में पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन 27,049 मतदान केंद्र मध्य प्रदेश पर 1,49,00,000 वोटर मतदाता आज फैसला करेंगे गांव की सरकार का। इसके लिए एक दिन पहले ही मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर पोलिंग जो एजेंट है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, उनको एक दिन पहले ही तैनात कर दिया गया था और अपने अपने मतदान केंद्र पर भेज दिया गया था। तो हम 1,49,00,000 लोग मतदान कर किस्मत का फैसला करेंगे, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और पंच का। वही 27,049 मतदान केंद्र मध्य प्रदेश में बनाए गए, जिसमें मध्य प्रदेश में 52,000 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच में ये संपन्न कराए जा रहे हैं। 3,989 मतदान केंद्र अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए, जहां पर पुलिस की विशेष निगरानी की जाए, यानी क्रिटिकल मतदान केंद्र अगर बोला जाए तो मध्य प्रदेश में 3,989 मतदान केंद्र बनाए गए। लेकिन सौम्या मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो मतदान चल रहा है, करीब 3 घंटे मतदाताओं को मत प्रयोग करते हुए हो गए, लेकिन अभी हल्की सी जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं भिंड जिले से आ रही है, जहां पर एक मतदान केंद्र पर गोली चली। और मतदान केंद्र में आपको बता दूं कि मतदान केंद्र के जो बूथ क्रमांक 148-149 पर हल्की सी वो पत्थरबाजी भी हुई है। पत्थरबाजी से कहीं ना कहीं वहां पर पदस्थ एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है, और भिंड में मतदान केंद्र से मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचने से पहले ही कहीं ना कहीं एक गोली से एक युवक की मौत भी हुई है, जो कि जिसका कारण पता नहीं है कि आखिर किस तरीके से उसकी मौत हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं भिंड जिले में जो अभी खबर आ रही है वो दुखद खबर भिंड जिले से आ रही है। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन अब 3 बजे तक देखना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्यों को जो कहीं ना कहीं मतदाता मत का प्रयोग कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से निपटता है या फिर कोई और स्थिति बनती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस के जो कहीं ना कहीं एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी कहे जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल ये अपील की है मतदाताओं से कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और कोई भी किसी भी तरह की आपको परेशानी ना हो, जिसके लिए
पुलिस लगातार आपके लिए तैनात है और पुलिस आपकी सुरक्षा में, आप निष्पक्ष होकर मतदान करिए। तो कहीं ना कहीं डीजीपी जो है, डीजीपी ने लगातार पुलिस के अधिकारियों की बैठकें जारी की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी देखने में आ रहा है कि भिंड के अलावा कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में संपन्न शांतिपूर्ण मतदाता संपन्न तरीके से मतदान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं सौम्या जी, मध्य प्रदेश में जो पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका मतदान जो होना है उसके बाद 3 बजे के बाद में सरपंच पद के लिए वहीं काउंटिंग की जाएगी, जिसमें सरपंच का भाग्य का फैसला होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में 3 बजे तक कितनी शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सकता है। जी जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।